The students took photographs of these features. It started raining again and their journey resumed. बच्चों ने वहाँ पे फोटोज लिए, फिर से बारिश शुरू हो गई और फिर उनकी जर्नी फिर से आगे बढ़ने लगी. नामदेव लुक्ड एट द मैप. वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ वी गोइंग टू खोपोली. ऐसा वो पूछता है मैम से कि अभी हम घाट सेक्शन में है ना और फिर हम खोपोली की तरफ जा रहे हैं ना. तो मैम बोलती है करेक्ट नामदेव, ये घाट को क्या बोलते हैं, खंडाला घाट बोलते हैं, इन द वेस्टर्न घाट्स. और हम इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ के ट्रीज, सॉइल्स और हाउसेस को ऑब्जर्व करो. दीज आर नोन एज भोर और द खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट्स. वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. ऑब्जर्व द ट्रीज, सॉइल्स एंड द हाउसेज दैट यू सी. शिव बोलता है मैडम, वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ थिक वेजिटेशन इन द घाट्स. वी कैन सी द ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स. वी हैड सीन सच ट्रीज इन सिंहगढ़ रीजन टू. बोलते हैं कि यहाँ तो बहुत घने घने झाड़ दिख रहे हैं और झाड़ों के पत्ते भी मोटे मोटे हैं. ऐसे झाड़ हमने सिंहगढ़ रीजन में भी देखे थे. तो टीचर बोलती है दीज आर टीक ट्रीज. ये कौन से ट्रीज हैं? टीक के ट्रीज हैं. दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज. ये जो ट्रीज हैं यहाँ पे, ये जो रीजन है यहाँ पे डेसिडियस ट्रीज होते हैं. देर आर मेनी वनराइज एंड देवराइज वुडलैंड्स एंड स्केर्ड ग्रूव्स, सीक्रेट ग्रूव्स, सॉरी. आफ्टर क्रॉसिंग द घाट्स द डेंस फॉरेस्ट बिकेम स्पार्स. भी क्या हुआ फिर घाट क्रॉस करने के बाद जंगल थोड़े कम घने होने लगे. पैडी फील्ड्स एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वर नाउ विजिबल. अभी उनको क्या दिख रहा था, पैडी फील्ड्स दिख रहा था और उनको कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स दिख रहे थे. तो नज़मा बोलती है मैडम, आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर, इट्स गेटिंग हॉटर एंड आई स्टार्टेड परस्पायरिंग. बोलती है कि मैम अब तो वेदर चेंज हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है और मेरे को पसीने छूट रहे हैं. तो मैम बोलती है यू फील द चेंज इन द एयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर. वी स्टार्ट परस्पायरिंग एंड द स्किन बिकम्स स्टिकी एज वी गो नियर द सी, दिस विल इंक्रीज. तो मैम बोलती है कि ये ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी चिपचिपी लगती है और हमको पसीना आने लगता है ऐसा. और अभी हम सी से और पास में जाएंगे तब ऐसा और भी ज़्यादा होगा. नामदेव बोलता है मैडम, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. तो वो बोलता है कि मैम यहाँ पे ना तो अभी तो बारिश हो रही है और यहाँ पे तो बारिश और भी ज़्यादा है, हो सकता है कि बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी हो रही है. तो मैम बोलती है नामदेव, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने. बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड द नियरनेस टू द सी दिस हैपन्स. हैवी रेनफॉल और सी के पास है इसीलिए ऐसा होता है. ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे ज़्यादा राइस उगता है. सून वी विल रीच द सी. कैन यू नेम द सी? अभी हम बहुत जल्दी सी की तरफ पहुँच जाएंगे. आपको पता है हम कौन से सी के पास जा रहे हैं? All students together, the Arabian Sea. Teacher will be good. After reaching Alibag, before we go to our lodges, we will visit the Talathi office. तो मैम बोलती हैं कि हम अलीगढ़ पहुँचने के बाद हमारे लॉज पे जाने से पहले हम एक तालाथी ऑफिस जाएंगे. You can gather information on the basis of the questionnaire you have prepared in the school. तो वो ऑफिस से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. आपने जो क्वेश्चनेयर बनाया था स्कूल में उसके हिसाब से आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट कर सकोगे. उर्मी बोलती है वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सॉइल टाइप, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स. वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन हिज और हर ऑफिस, लैंड अंडर इरीगेशन, वॉश शेड प्रोग्राम्स एंड अदर ऑक्यूपेशंस इन द विलेज. तो उर्मी बोलती है हम ये सारे सवाल उनसे पूछेंगे वहाँ पे कि कौन से टाइप का सॉइल है यहाँ पे, कौन से फ्रूट्स उगते हैं, कौन से क्रॉप्स उगते हैं, यहाँ पे लैंड का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ये सब हम उनसे पूछेंगे. और विलेज में कैसा ऑक्यूपेशन होता है, सब कुछ. दे रीच्ड अलीबाग इन द आफ्टरनून.
एंड देन विजिटेड द तालाथी ऑफिस. दे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चनर्स. तो वो अलीबाग पहुँचते हैं, उस ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फिर टीचर बोलती है, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट. हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज देयर हैंड्स. तो मैम बोलती है कि अभी लंच करने के बाद हम सी कोस्ट पे जाएंगे. आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहली बार सी देखने वाले हैं? तो मोस्टली सब बच्चे हाथ उठाते हैं. अबीरा बोलती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन वॉट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी. What would be, what would it, will it look like? Or will there be just water? अबीरा बोलती, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि कितना बड़ा होगा वहाँ पे, सब सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा क्या, वो कैसा दिखता होगा सी. तो टीचर बोलती है, ट्रू अबीरा, वी विल विजिट द बीच नाउ. अभी हम जाएंगे बीच पे. वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लियर instructions रिगार्डिंग द precautions टू बी टेकन देयर. हमारे पास ऑलरेडी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. वी विल ऑल्सो विजिट द फोर्ट कॉल्ड द कोलाबा और द अलीबाग फोर्ट देयर हियर. हम यहाँ पे जो एक अलीबाग फोर्ट है वहाँ पे भी विजिट करेंगे. वी विल हैव टू टेक इन अकाउंट द टाइमिंग्स ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स एज दिस इज लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट इन द सी. तो हमको हाई और लो टाइड्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम सी से बहुत पास में हैं. We have studied the work of the sea waves in the class 9th. हमने 9th standard में sea waves के बारे में पढ़ा है. We will also identify some of the landforms formed by sea waves. हम क्या करेंगे, landforms जो sea waves की वजह से बनते हैं वो भी हम थोड़ा से देखेंगे और identify करेंगे. Can you name some of them? क्या आप कुछ landforms के नाम बता सकते हैं जो sea से form होते हैं, sea waves से? तो बच्चे बोलते हैं, ऑलमोस्ट टुगेदर बीच, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स एंड सैंड बार्स. तो ये सारे नाम हैं जो चीज़ें बनती हैं सी वेव्स की वजह से. टीचर बोलती, गुड, यू रिमेंबर देम वेल. तुम सबको तो बहुत अच्छे से सब कुछ याद है. दे विजिटेड द बीच एंड द फोर्ट. सम ऑफ देम ऑल्सो इन्जॉयड सिटिंग ऑन द हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स एंड सम ऑफ देम इन्जॉयड हॉर्स राइड्स. तो क्या होता है कि वो लोग जाते हैं बीच पे और फोर्ट पे और वहाँ पे क्या होता है कि बग्गी होती है. जो मीना बोलती है, मैम दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस. टीचर बोलती है, ट्रू, इनिशियली फिशिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, लेटर ऑन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस इन दिस रीजन बट अवे फ्रॉम द शोर. तो यहाँ पे पहले फिशिंग जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था बट बाद में एग्रीकल्चर भी होने लगा बट वो थोड़ा सा शोर से, मतलब सी से थोड़ा सा दूर में एग्रीकल्चर होता है. कोकोनट, बीटल नट, जैक फ्रूट, बनाना एंड सम स्पाइसेस आर कल्टीवेटेड इन द कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्ट के आसपास कौन कौन से पेड़ होते हैं? कोकोनट, बीटल नट, जैक फ्रूट, बनाना, ये और एंड सम स्पाइसेस, ये सब चीज़ें होती हैं कोस्ट के आसपास. दिस इज हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. इसको क्या बोलते हैं हम? हॉर्टिकल्चर फार्मिंग बोलते हैं. टुडे टूरिज्म हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. अब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है. आफ्टरवर्ड्स द स्टूडेंट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग ऑन द सैंड ऑफ द बीच एंड कैप्चर्ड सम ब्यूटिफुल ग्लिम्स ऑफ द सनसेट इन देयर कैमराज. आफ्टर सनसेट दे केम टू देयर लॉजेस. दे डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंपाइल देयर फील्ड ट्रिप रिपोर्ट. आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज दे हैड डिनर एंड रेस्टेड फॉर द नाइट एट अलीबाग. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द रिटर्न जर्नी. फिर क्या होता है कि बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं बीच पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज खींचते हैं कैमरा से और फिर सनसेट के फोटोज भी लेते हैं. उसके बाद सनसेट के बाद वो लोग अपने लॉज में चले जाते हैं. फिर वो डिस्कस करते हैं कि वो फील्ड विजिट की रिपोर्ट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको याद रखने हैं या लिख के रखने हैं. फिर वो लोग अपना रात को खाना खाते हैं और वहीं पे अलीबाग के एक लॉज में सो जाते हैं. फिर अगले दिन सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं. वाज़न्ट इट एक्साइटिंग?